अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बंटवारा बेटियों का, अरे सब इंतजाम हो गया है, सारा आ रही है। क्या मतलब? तुम्हारी शर्त यही थी ना कि सारा ऐसे मौके पे यहाँ होनी चाहिए, तो सारा आ रही। आप बिना वजह मुझ पे शक कर रहे हैं जी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरी बात पर एतराज उठाओगे, जवाब दोगे मुझे? मैं तो आगा जी चुप। सिर्फ इसकी मुदाखलत की वजह से हादिया आज मेरे साथ नहीं है, अभी और क्या चाहता है? सबक प्लीज रिलैक्स, मुझे अंदाज़ है तुम्हारे दुख का, लेकिन तुम्हारे इस तरह जज्बाती होने से मसला हल नहीं होगा। जफर भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ नजीर भाई, वो मैंने सोचा कि चलो हाल अहवाल ही मालूम कर लूँ मैं आपसे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जैसे ही आगा जी घर पर नहीं होंगे मैं आपसे बात करूँगा। नजीर भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, ये तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। अब क्या बताऊँ यार, मुझसे गलती हो गई, अब मैं यकीन करो मैं पछता रहा हूँ। अब तुम जैसा कोई फरिश्ता सिफत आजकल तो कोई नहीं मिलता। जफर भाई अगर सच पूछे ना तो मेरा दिल नहीं करता कि ये बच्ची यहाँ रहे, इसको देखकर मेरा दिल रोता है। बस क्या बताएं, और नजीर भाई बिन माँ बाप की बच्ची है, मैं तो हर वक्त अपने ऊपर लानत मलामत करता रहता हूँ कि ये कितना बड़ा जुल्म हो गया मुझसे। तुमने मुझे कल जब फोन किया ना तो यकीन करो मुझे यकीन हो गया इस बात का कि मेरी कोई नेकी काम आ गई है, जो सारा के वहां से निकलने का रास्ता निकल आया। जफर भाई आप बेफिक्र हो जाएं, सारा को यहाँ से निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है। सच पूछे ना तो मैं तो खुद यहाँ काम नहीं करना चाहता। क्यों खैरियत क्या हो गया वहाँ? अरे छोड़े जफर भाई, जो बातें दबी हुई हैं उनको रहने दें। हाँ ठीक है। अच्छा मैं नजीर भाई तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा मैं। ठीक है जफर भाई, मैं बताता हूँ आपको, जल्दी बताता हूँ। अरे ठीक है। अरे काम हो गया, क्या बात, तेरा शुक्र। क्या बात बताओ, इस घर में हम दोनों में से नौकरानी कौन है, मैं या तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। कहाँ है दवाई? वो टेबल पर रखी है। नहीं वहां नहीं है मेरी दवाइयाँ, मेरा सर दर्द के मारे पटा जा रहा है, पटा है मेरा सर। कर देगी ये लड़की मुझे सर पटक मेरे।
मैं आपके लिए दवाइयाँ निकाल देती हूँ। जाओ दफा जाओ, मैं खुद निकालूंगी अपनी दवाइयाँ सारी। अच्छा आप ले लें दवा, मैं जा रही हूँ। कौन सी खाऊं, सर दर्द की कौन सी है? नहीं ये नहीं लग रही, ये हो गई। हाँ ये हो गई, हाँ ये है। अजहर बेटा तुम परेशान मत हो, अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दो, अजरा का ख्याल रखो, मैं हूं ना यहाँ। अम्मी मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। वो अब्बू ने सारा के मुतालिक कोई बात की आपसे? तुम्हारे अब्बू कल से बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो सारा को वापस ला रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं वो झूठ बोल रहे हो आपसे? नहीं बेटा, उनके एतमाद से लग रहा है वो झूठ नहीं बोल रहे। अम्मी आपको पता है कि अब्बू झूठ भी बड़े एतमाद के साथ बोलते हैं। लेकिन एतमाद तो करना पड़ेगा ना बेटा। अम्मी किसका फोन है? समीना का फोन है, वो बार बार फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं इसे। अरे अम्मी परेशान ना हो आप उनको साफ कह दें कि सारा मेरे घर पर है। हेलो, कैसी हो समीना? मैं ठीक हूँ समीना, तुम ये बताओ हादिया का कुछ पता चला? नहीं समीना कुछ पता नहीं चला, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ समीना? पता है जिनके पास हादिया थी ना उन्होंने अपना ठिकाना तब्दील कर लिया है और फोन भी बंद कर दिया है। हमने पुलिस की मदद भी ली लेकिन अब वो लोग वहां से भी गायब हैं। सबा बेचारी तो सदमे से तड़प रही है, ना कुछ खा पी रही है ना कुछ बात कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ समीना। अच्छा तुम बताओ सारा कैसी है? वो ठीक है, उसे अजहर लेकर गया हुआ है। समीना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो समीना। ऐसा करो कि तुम किसी दिन घर आ जाओ, तसल्ली से बैठकर बात कर लेंगे। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी। या फिर मैं ऐसा करूंगी कि मैं चक्कर लगा लेती हूँ, सबा को भी साथ ले आऊंगी। सबा सारा से मिल लेगी, शायद उसका दिल बहल जाए। मैंने तुम्हें बताया ना कि सारा तो अजहर के घर पर है। अच्छा चलो ठीक है, जब वो अजहर के घर से आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तब चक्कर लगा लूंगी। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं खुद आ जाऊंगी सारा को लेकर। अच्छा ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। किरण, किरण, चल रही सारी दवाइयां यहां पे, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ 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 नहीं होगा। सारा सारा, अरे नजर नजर। जी आगा जी क्या हुआ? गाड़ी निकालो तुम, गाड़ी निकालो जाके यार, तुम्हारी बातों का जवाब नहीं है मेरे पास अभी, पहले गाड़ी निकालो। मैं भी क्या हुआ भाई, दुख खत्म नहीं हुआ? अब तुम अपने दुख का क्या मसला क्या है, अब क्या कर रही हो, क्या प्लानिंग हो रही है? कुछ नहीं जुबैर, मैं समिया को फोन कर रही थी और सोच रही थी कि उसे यहाँ बुला लूं। क्यों, उससे क्यों बात हुई है भाई? तुम्हें तो कहा था, तो मैंने सोचा कि समिया को बुलाकर बैठकर बात कर लेते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये तो सब बात के मामलात हैं, पहले हादिया को तो मिल जाने दो। तुम ही तो कह रहे थे जुबैर
अच्छा जज्बाती ना हो, मैं जब बोलूं उस वक्त बुला के बात करनी है। जुबैर अगर हादिया का मसला हल हो सकता है तो ये सब कुछ जल्दी करो ना। एक मिनट ये बताओ, तुमने कोई जिक्र तो नहीं किया और तुमसे क्यों मिलना चाह रही है वो? इतनी बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बोला है कि सबा को सारा से मिलवा दो। ठीक है, पर अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, और कोशिश करना जफर इस मामले में ना पड़े। समझ रहे हो ना मेरी बात? समिया को बताओ, समिया को बुलाया, समिया को ही बुलाओ। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ समिया को ही बुलाया है। हाँ, लेकिन जो मैंने कहा ना वही है, हादिया जब तक नहीं मिल जाती कोई और बात नहीं होगी भाई, सीधी सी बात है। नजीर की कॉल इस वक्त? हेलो जफर भाई, इस वक्त आप आ सकते हैं? अभी इस वक्त? सारा तो ठीक है ना? अरे इसीलिए तो बुला रहा हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आगा जी बेगम साहबा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं और कल से पहले वापस नहीं आएंगे। जफर भाई अभी गाड़ी लेकर आ जाओ। अभी? जी जी फौरन आ जाएं। यार इस वक्त आगा का घर तो बहुत दूर है यार। अगर बच्चे की जान बचानी है जफर भाई तो आना पड़ेगा आपको। देखें मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको कि सारा की जान खतरे में है, आप बस फौरन आ जाओ वरना इस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, जान से भी जा सकती है। अब क्यों डरा रहे हो यार नजीर भाई? अगर कोई मसला टेढ़ा है तो बाद में कोई मौका देख लेना यार। यार तुम्हें तो पता है ना यार, आगा जी का तो पता है ना। जफर भाई मैं अपनी जान भी तो खतरे में डाल रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है ना आप यहाँ पहुंच जाएं, और बाकी जो मसले हैं वो बाद में निपटा लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। अरे आगा जी की फिक्र ना करो, उनसे मैं बोलूंगा बच्ची घर से भाग गई, अरे मैं संभाल लूंगा ना। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस आप जल्दी से पहुंचे। आ रहा हूं। समिया, अरे समिया क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है भाई, वो मैं सारा को लेने जा रहा हूँ। क्या आप सच कह रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी फोन आया है भाई। लेकिन समिया मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, तुम भी अपने वादे पे कायम रहना, सारा आ जाएगी ना तो फिर जायदाद मुझे ही मिलनी चाहिए। देखो अरे अभी तो आप जाए, ये तो बाद की बातें, फिर देख लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं जरा लेट हो जाऊंगा, तुम राबते में रहना मुझसे। ठीक है। हाँ ये जरूरी है। अच्छा मैं लेने जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी इज्जत रख ली। मैं जाती हूँ, कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ। सारा बेटा जल्दी करो, आज तुम्हें यहाँ से निकलना है। आप सच कह रहे? हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, जल्दी निकलो, अगर आज नहीं निकली तो आइंदा तुम्हारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप छोड़ कर आएंगे मुझे? तुम्हारे खालू आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। खालू आ रहे हैं? क्या खाला को पता है? अरे खाला को पता है या नहीं पता ये सवाल करने का वक्त नहीं है, जल्दी से करो जल्दी निकलो। सबा बेटा प्लीज आप मुझे बुरा मत समझो, इतना जज्बाती मत बनो, मुझे पूरा यकीन है कि हादिया वापस जरूर आएगी। मेरा दिल कह रहा है एतबार करके तो देखो मुझ पर, हम तुम्हारे अपने हैं सबा, भला हम तुम्हारे लिए बुरा सोच सकते हैं? तुम्हारे तमाम एहसास का पता है हमें, इसीलिए तो मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। खत्म कर दो ये नाराजगी, तुम्हें क्या लगता है खाली तुम परेशान हो हादिया की वजह से? हम भी बहुत परेशान हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है। पप्पू
मैं आपको बुरा नहीं कह रही, ना मैं आपको बुरा समझती हूँ। मुझे तो खुद से किला है, मेरी बहनों की किस्मत और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि हम लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप सब लोग ठीक हैं तो हमारी जिंदगियों में इतनी परेशानियां क्यों है पप्पू? कभी सोचा है आपने? अल्लाह बेहतर करेगा, उस पर भरोसा रखो। सफर भाई, आप बंगले की पीछे वाली दीवार के साथ गाड़ी खड़ी करें, मैं सारा को लेकर आता हूं। गाड़ी सफेदर की है ना? ठीक है, चलो बेटा। शुक्रिया नजीर अंकल। अरे शुक्रिया की बात नहीं बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने घर में जाकर सुखी रहो। चलो। आपको आगा जी तो कुछ नहीं कहेंगे? अरे आगा जी की फिक्र छोड़ो, उनको मैं निमट लूंगा, तुम फिलहाल यहाँ से निकलो। चलो शाबाश, आ जाओ। अच्छा वो तुम लोग आ गए। सारा बेटे, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं तुम्हें यहां छोड़कर गया था। मैं बहुत पछताया, बहुत पछताया। मुझे माफ कर देना सारा बेटे, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नजीर अंकल, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, आप मुझे बहुत याद आएंगे। नजीर भाई, आपका आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ऐसे वक्त पे साथ दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जफर भाई, ये बच्ची बहुत अच्छी और मासूम है, मैंने इसकी खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया है, इसका बहुत ख्याल रखना। जाओ बेटे, जाओ। आओ सारा, आ जाओ बेटे। ये जो इतना सारा झगड़ा फैला हुआ है, ये जो फसाद बरपा है, ये किस वजह से? सारा झगड़ा जायदाद का है। जायदाद? जायदाद की वजह से कैसा झगड़ा है? अगर वक्त पर सबको हिस्सा मिल जाता तो यूं कुछ भी ना होता, ना बेटियों को बंटवारा होता। लेकिन जुबैर, जायदाद के बंटवारे का हमेशा तुमने ही मना किया था। कैसी हो बेटा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बच्ची घर वापस आ गई। क्या लाओ, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा तुम कितनी कमजोर हो गई, खाना नहीं खाया था तुमने? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ जी। अब देखो, मैं तुम्हारी बच्ची को ले आया ना, अब ये यहीं पर है तुम्हारे पास, खूब बातें करो इससे, खूब प्यार करो, तुम इससे अपनी कहो, वो अपनी तुमसे कहे, लेकिन मुझे भूख लगी है बहुत शदीद, तो मुझे कुछ खाने को तो दे दो। मैं भी लाती हूँ। अच्छा बेटा, सारा खुदा का शुक्र है बेटा तुम वापस आ गई।
मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारे बाद मुझ पे क्या गुजरी। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा। नहीं खाला, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस ये दुख है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। भूल जाओ बेटा सब, अब तुम मेरे पास हो। अगर तुम कहो तो हम अजहर के घर पर चलते हैं, उसकी बीवी तुम्हें कब से बुला रही है, चलोगी ना? जी खाला चलूंगी, लेकिन पहले मैं सबा आप ही से मिलूंगी और हादिया से बात करूंगी, क्योंकि इतना टाइम हो गया मेरा उनसे कोई रابطہ ही नहीं हुआ है। सब हो जाएगा, तुम आ गई हो ना तो एक एक करके सारे मसले हल हो जाएंगे। खाला उस घर में ना एक नजीर अंकल थे, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी मदद की, अगर वो ना होते ना तो मैं तो जिंदा ही ना रहती, क्योंकि वहाँ पे ना एक पागल औरत थी, वो मुझे बहुत मारती थी, मुझे उससे बहुत डर लगता था। खुदा गारत करे उन लोगों को। बस बेटा अब उनका जिक्र मत करो, मैं अजहर को कहकर तुम्हारा दाखिला करवाती हूँ। और हाँ बेटा, जब तुम्हारी सभा आपी से बात हो तो इन सब बातों का जिक्र उसे मत करना, पता है ना वो बहुत दुखी हो जाएगी और मेरी तरफ से बदगुमान भी। जी खाला, खाला मुझे अपना फोन देते, मैं सभा आपी से बात कर लेती हूँ। कर लेना उससे बात, पहले तुम खाना खा लो, फिर बात करवाऊंगी। अच्छा हेलो, हेलो सबा, प्लीज तुम्हें इस रवैये का मजारा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें सारा कसूर मेरा है? अच्छा तुम्हारा कसूर नहीं है तो क्या मेरा कसूर है सारा? नहीं सबा ऐसा नहीं है, जो बात है तुम उससे इनकार नहीं कर सकते, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। कोशिश की तो ये रिजल्ट मिला है? बताया भी था कि ये मामला बहुत पेचीदा होता है, थोड़ा सब्र से काम लेना होता है, इसमें किसी की जान को खतरा भी हो सकता था। एक्चुअली यही बात है, किसी की नहीं मेरी ही बहन को खतरा था जान का, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस मामलात से दूर रहो। क्या बचकाना बातें कर रही हो, कि तुम्हारे पैसे देने से तुम्हें आदिया मिल जाती? हाँ मिल जाती, पर इस बात की क्या गारंटी थी? देखो सबा, उन लोगों में कोई मॉरल्स नहीं होते, तुम अकेले ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अरसल तुम्हारे इन्वॉल्व होने से क्या हुआ, हादिया आ गई है वापस? देखो सबा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रवैये से साफ लग रहा है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मेरे जज्बात भी समझो। जज्बात सिर्फ तुम्हारे नहीं है, मेरे भी हैं। तुमने ये बहस करने के लिए मुझे फोन किया है? बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मामला थोड़ा डिले हुआ है तो इसमें तुम्हारी तरफ से ही गुनाही थी। प्लीज अरसल, अब मैं तुम्हारे खामखा के ना एक्सक्यूजेस नहीं सुन सकती, पक गई हूँ मैं। मुझ पे कयामत आके गुजर गई है और तुम मुझे फोन कर करके समझाने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरी वजह से पुलिस की कार्रवाई नाकाम हो गई है। सबा तुम ना मुसलसल गलत डायरेक्शन में सोच रही हो, प्लीज अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम मामले को संभाल सकते हैं। नहीं अरसल, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, प्लीज आइंदा इस मामले में मेरे से कोई बात मत करना, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। हेलो शुमाइला,
हाँ हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि सारा वापस आ जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी सुन ली, वरना मेरे दिल में अजीब सा खौफ था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अगर नियत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। देखो ना सारा वापस आ गई ना। हाँ हाँ मैंने उससे कहा है मैं ज़रूर आऊँगी। बल्कि एक काम करो, मैं तो कहती हूँ कि सारा को अपने पास अपने घर पर ही रख लो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा यकीनन अपने बेटे को इत्तला दी जा रही है कि सारा इस घर में वापस आ गई। क्या कर लेगा तुम्हारा बेटा? चलो ठीक है, उस निकम्मे को भी मालूम होना चाहिए कि सारा को मैं वापस लाया हूं मैं। हाँ तो छोड़कर तुम ही आए थे ना। हर वक्त ये तंस करती रहना। अब जो काम मैंने बोला है उस पर काम शुरू करो। मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है, सारा को लाकर तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब जायदाद में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो मैं डंके की चोट पर बात करूंगा उन लोगों से। और हां ये याद रखना कि हिस्सा अब ज्यादा होगा क्योंकि मकान की कीमत डबल हो चुकी है, इसलिए हिस्सा इस बात को मद्देनजर रख के तय करना होगा, समझे? जफर थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी तो सारा वापस आई है। देखो और सब्र की बात मत करो मुझसे, जो जुबान हुई थी उस पर कायम रहो, समझी? अब आमने सामने बैठकर बात होगी। लेकिन जफर अगर बात करनी है तो आमना और शजात का होना बहुत जरूरी है। समझा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पता है कि असल जायदाद का बंटवारा समीना और जुबैर से ही तय होगा, क्योंकि इस पूरे फसाद की जड़ वो दोनों लोग हैं। वरना उस वक्त जब खावर और सुल्ताना का स्वयं था उस वक्त फैसला साफ साफ कर देते तो तीनों बहनों को हिस्सा मिल जाता। जुबैर और समीना ने मामले को बिगाड़ा है, तूल दिया है इस मामले को, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनसे दो टोक बात करो और खुली बात करो, समझी? सबा सबा बेटा तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हुई हो। जी पप्पू पता चला मुझे। क्या हुआ बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें पता है इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे, मैं बहुत खुश हूं आज। पप्पू मेरे लिए खुशी कोई मायने नहीं रखती। अब किसके साथ मनाऊं अपनी खुशी जब बाबा जिंदा थे? कितनी ख्वाहिश थी ना उनकी कि मैं पढ़ूं कुछ बनूं। अब जब वो ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? हादिया सारा अम्मी कोई भी तो नहीं है मेरे पास। पप्पू आप ही बताइए क्या मुझे वाकई खुश होना चाहिए? बेटा वक्त इतनी तेजी से बदला है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुमने इस मुश्किल हालात में भी अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल की ना। बेटा ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। और खावर और सुल्ताना ने जो ख्वाब देखा था तुम्हें कुछ पढ़ाने का बनाने का, आज वो पूरा हो रहा है ना।